कांग्रेस पार्टी ने अपनी आंखों पर राजनीति का ऐसा काला चश्मा पहन रखा है जिसके चलते उन्हें हर जगह सिर्फ राजनीति ही दिखाई देती है। यह कहना है महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा ठुकराए गए भव्य राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही भारतीय नियमों का उपहास किया है, वही यह वह पार्टी है जो सनातन संस्कृति पर भी प्रहार करती रहती है। एक और तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य कहते हैं कि भगवान श्री राम सभी के भगवान हैं, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में बने उनके इस भव्य मंदिर के न्योते को अस्वीकार कर रही है, जिससे भारतीय संस्कृति और भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है। उनका मानना है कि इस न्योते को अस्वीकार कर कांग्रेस पार्टी अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रही है। इस पार्टी को हर जगह सिर्फ राजनीति ही दिखाई देती है, जो एक निंदा का विषय है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या से आए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को अस्वीकार कर दिया है, जिसे लेकर महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज ने अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो बयान दिया है, खास तौर से खड़गे जी का और एक कोई अधीर रंजन है और सोनिया जी का, उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप ही अपना बयान दिया हुआ है, इसलिए वो बयान उनको ही शोभा देता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारतीय जीवन मूल्यों का उपहास करा किया है और सनातन संस्कृति पर वो निरंतर प्रहार करती आई है आज भी जब इतना अच्छा वातावरण है, तो सनातन पुरुष का सम्मान हम करने जा रहे हैं अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण करके, और उनकी प्रतिमा का वहाँ पर जो स्थापना होगी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस अवसर पर राम जी ने या राम जी के भक्तों ने बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि राम जी सबके हैं, आधे कांग्रेसियों का स्वर निकल रहा है कि राम जी सबके हैं, उनकी बपोती नहीं है राम जन्मभूमि, और वो जा रहे हैं। और एक और जो शीर्षस्थ लोग हैं जिनकी मानसिकता ही गंदी है, जिन्होंने हमेशा सनातन को कुचलने का काम किया है, उन्होंने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने स्वभाव का ही परिचय दिया है, जिनकी मानसिकता ही गंदी है, जिन्होंने हमेशा सनातन को कुचलने का काम किया है, उन्होंने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने स्वभाव का ही परिचय दिया है। मैं दूसरे शब्दों में भी ऐसा कह सकता हूँ कि अपने पैरों पर ही उन्होंने कुल्हाड़ी पटकी हुई है, इसलिए इसमें आश्चर्य की हमको हम लोग को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपने स्वभाव के अनुरूप उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक चश्मा इतना गहरा उसका रंग वाला चढ़ा रखा है कि उनको हर चीज में राजनीति दिखाई पड़ती है। वो ये भूल गए कि जब हम राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में संसद के एक एक सदस्य से हमने समर्थन मांगा था, उस समय समर्थन देने वाले हिम्मत करके राम रथ यात्रा लेकर के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक निकले, क्या हम उसका बहिष्कार कर दें? आप राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और उस पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हो, तो क्या हमें आप ये कहना चाहते हैं कि हम उन लोगों का बहिष्कार कर दें जिन लोगों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए हमको व्यापक समर्थन दिया और भगवान राम की कृपा उन पर हुई है, इसलिए वो कृपा से भी वंचित हो रहे हैं और अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। जबलपुर से टीम लोकमंगल।